Hello my dear lovely cutie small small students? I hope you are well fine and good. Okay, my dear students. So tell me one thing. Are you enjoying the classes that we are taking? I hope you all are enjoying the classes that we are taking and you should study regularly. Okay. So today what we are going to learn? Any idea? I will say you. Today we are going to start a new lesson. And what is the name of the lesson? See, I will say you. It's lesson number three. And what is the name of the lesson? The name of the lesson is Save the Tigers. What is the name of the lesson? The name of the lesson is Save the Tigers. Now, do you know, my dear students, tigers? Uh, tigers are living in the jungle jungle means forest so we in this lesson we have to see that we have to save the tigers but how we will save the tigers do you know no you don't know i also don't know so we are going to see how we can save the tigers in this chapter in detail okay so without wasting much of our time come we will start our today's lesson okay come okay my dear students so we will start before starting the lesson let me tell you one thing when i will read the lesson what you will do you will keep your finger on the line this will help you to know that where i am reading okay so come we will start our chapter number 3 lesson save the tigers okay now in the deep forest a tiger sat alone looking very sad now in a deep forest deep forest means एक घने जंगल में वेरी डीप फॉरेस्ट में बहुत ही ज्यादा घना जंगल टाइगर सेट अलोन लुकिंग वेरी सैड टाइगर लुकिया ही टाइगर सी सो ही सिटिंग अलोन अलोन में वो टाइगर जंगल में अकेला बैठा था एंड ही वॉज वेरी सैड अकेला बैठा था और सैड भी था यानी दुखी भी था An elephant passed by and saw the tiger. He stopped and asked the tiger. Now this tiger was sitting alone and sitting very sad. But the elephant was just passing by. Passing by means, जब tiger वहां अकेला बैठा था और दुखी भी था तब एक elephant elephant means हाथी वहां से pass हो रहा था pass हो रहा था means वहां से cross हो रहा था.

हाथी ने टाइगर को यह पूछा कि क्या हो गया टाइगर फ्रेंड आप इतने अलोन क्यों हो? इतने दुखी क्यों हो क्या हो गया आ टाइगर सेड आई एम वेरी वरीड बिकॉज सम बैड पीपल आर किलिंग अस फॉर claws. ना वॉट दिसगर इज संग बैड पीपल आर किलिंग अब टाइगर क्या बोल रहा है कि कुछ जो बुरे लोग है बैड पीपल बैड पीपल मीन्स जो बुरे लोग है वो टाइगर्स को मार रहे है किल कर रहे हैं किलिंग मीन्स किलिंग मीन्स टाइगर को जान से मार देना क्यों टाइगर को मार रहे है टाइगर की स्किन के लिए और उनके पंजों के लिए कोई रहता है ना मार्केट में टाइगर की स्किन को बेचता है उसको अपने घर में शोकेस के लिए लगाता है इसलिए टाइगर को किल करते यानी कि टाइगर को मारते सो दैट वाई टाइगर वॉज वरीड इसीलिए टाइगर इतना वरी था इतना सैड था अ लॉन्ग टाइम अगो देर वेर मैनी टाइगर्स इन द जंगल बट सैडली बिकॉज ऑफ द क्रूअल पीपल जंगल में बहुत सारे टाइगर्स रहते थे बट बिकॉज ऑफ क्रूयल पीपल क्रूयल पीपल मीन्स कुछ कुछ बेड पीपल मतलब कुछ बुरे लोगों के वजह से कुछ उनको क्या हो गया बहुत ही ज्यादा टाइगर्स को मारने लग गए कौन मारने लगे बहुत ही ज्यादा बुरे पीपल बैड पीपल इसलिए टाइगर को मारते मारते जंगल में बहुत ही कम टाइगर्स बच गए हैं देर मे कम अ टाइम वेन देर विल बी नो टाइगर्स ऑन द अर्थ नाउ दिस टाइगर इज सी देर विल बी वन टाइम दैट देर ऑन अर्थ no मतलब टाइगर ये बोल रहा है अगर टाइगर्स को ऐसे मारते रहे उनके स्किन और पंजों के लिए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस धरती पे टाइगर्स नहीं रहेंगे मतलब टाइगर्स की जाति समाप्त हो जाएगी द एलिफेंट मूव हिज ट्रंक फ्रॉम वन साइड टू साइड एंड रिप्लाइड सैडली न ये सब बातें कौन सुन रहा था एलिफेंट यानी कि हाथी सुन रहा था क्या बात सुन रहा था कि टाइगर इसलिए सैड है क्योंकि जंगल में बहुत कम टाइगर बचे रह गए तो अभी एलिफेंट क्या किया टाइगर की ये बात सुन के उसने अपना सर हिलाया साइड टू साइड अपन सर हिलाते ना ऐसा वैसे फ्रेंड वी आर ऑल्सो बींग फॉर आर ट्रंक्स वी एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ नेचर एंड वंस वी डिस द अर्थ विल लूज इट्स ब्यूटी नॉट दिस एलिफेंट इज संग अब ये एलिफेंट क्या बोल रहा है कि देखो फ्रेंड टाइगर फ्रेंड कि हमें भी मारा जा रहा है हाथी को एलिफेंट को किस लिए मार रहे एलिफेंट के टीथ के लिए एलिफेंट आर किलिंग फॉर द टीथ मतलब एलिफेंट के जो दाँत है वो मार्केट में बहुत हाई प्राइस में सेल आउट होते हैं इसलिए हाथियों को भी मारा जा रहा है सो व्हाट एलिफेंट इज सेफ एनिमल्स विल बी किल्ड देर विल बी नो ब्यूटी ऑन द अर्थ एलिफेंट ये बोल रहा है कि अगर इन जानवरों को लोग ऐसे ही मारते गए तो इस धरती पे इस धरती की जो खूबसूरती है वो चले जाएगी अबियर वी एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ नेचर एंड वंस वी डिस अर्थ विल लूज इट्स ब्यूटी अब हाथी क्या बोल रहा है हम जो है इस प्रकृति का हिस्सा है

चेयर अप वाई चेयर अप गुड पीपल आर देयर इन दिटी दैट दे आर सेविंग अर्स दे आर प्रोटेक्टिंग अर्स फ्राम द बैड पीपल एंड देर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अर्स मीन्स एलिफेंट अभी क्या बोल रहा है कि अभी उदासमत रहो टाइगर फ्रेंड अभी चेयर अप कर जाओ क्यों चेयर अप कर जाओ क्योंकि इस धरती में कुछ अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे लोग भी हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें बचा रहे हैं हमें किल करने से यानी मारने से बुरे लोगों को रोक रहे हैं ओके ह्यूमन बींग्स मस्ट रिमेंबर दैट फॉरेस्ट एंड एनिमल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द अर्थ नाउ वॉट इट इज गिवन यर ह्यूमन बींग्स दैट मीन्स आस मतलब हम लोग वी मस्ट रिमेम्बर दैट फॉरेस्ट एंड एनिमल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द अर्थ मीन्स हमें ये बात सीख लेनी चाहिए और मन में गाठ बांध लेनी चाहिए कि एनिमल्स भी एक हिस्सा है किस चीज का हिस्सा इस धरती का हिस्सा है इस प्रकृति का हिस्सा है तो हमें इनको मारना नहीं चाहिए वी शुड सेव द एनिमल्स ओके save the tigers and all animals so we should not kill the tigers elephants and all the animals we should save the animals okay now my dear students uh, we have completed our this chapter okay my dear students here we have completed our chapter number 3 save the tigers tell me one thing my dear students what you have learned in this lesson we have learned in this lesson that we should not harm the animals. We should not kill the animals. Okay? We should save them, protect them from the bad people. Okay, my dear students? I hope you all have understood the lesson. So, I'll see you in the next video. Till that time, stay safe, stay home, stay healthy. Don't disturb your parents, don't trouble your parents. Okay? See you in the next video. Okay? Bye bye.